उन्होंने कुछ ना कुछ नया किया है, चाहे वो ब्रीफ केस से बही खाता हो, पेपरलेस बजट हो या फिर सबसे लंबा बजट भाषण। तो इस बार के बजट में टैक्स में छूट का दायरा बढ़ सकता है। वहीं बात अगर करें गैस सिलेंडर की, तो गैस सिलेंडर के दाम 1100 रुपए हो चुके हैं और माना जा रहा है कि इस बार गैस सिलेंडर के दाम में कमी आएगी, यानी कि गैस सिलेंडर सस्ता हो सकता है। बेरोजगारी पर भी कुछ बड़ा किया जा सकता है, बड़ा ऐलान किया जा सकता है। छोटे और मझले उद्योग के लिए भी ऐलान की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मनरेगा को मिलने वाला पैसा भी इस साल बढ़ाए जाने की उम्मीद है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मनरेगा को मिलने वाले पैसे में भी इजाफा किया जाएगा। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बजट बढ़ना है ऐसा माना जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ाने से भी रोजगार पैदा होंगे। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 50,85,000 नौकरियां पिछले साल दी जानी थी, ये लक्ष्य था। लेकिन आपको बता दें कि सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक ये लक्ष्य यानी कि टारगेट से 28% ज्यादा नौकरियां दी गई हैं, यानी कि 70 लाख नौकरियां दी गई हैं। और इस बार अगर इस पर फोकस बढ़ा तो नतीजे पिछले साल से भी बेहतर हो सकते हैं। बात अगर एजुकेशन की जाए तो एजुकेशन लोन के सस्ते होने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं की जा रही है। तो वहीं मोबाइल फोन की अगर बात की जाए तो मोबाइल फोन बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला आइटम्स पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की ड्यूटी अगर घटी तो अप्रैल के बाद मोबाइल फोन खरीदना सस्ता हो सकता है। इसके साथ ही एक्सपर्ट का कहना है कि कोविड के बाद बीमा, वैक्सीन, टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज्यादा मजबूत करना होगा, और ऐसे में सरकार हेल्थ बजट में 20-30% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। तो वही बात एग्रीकल्चर की, इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर को 2,00,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, जबकि पिछली बार 1,32,000 करोड़ रुपए का बजट था। नेचुरल फार्मिंग के लिए किसानों को इंसेंटिव के साथ ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए संगठन बनाने का ऐलान किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो वहीं पीएम किसान योजना की सम्मान निधि में भी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। सरकार की प्राथमिकता क्योंकि इस बार मेक इन इंडिया, हथियार और टेक्नोलॉजी है, और ऐसे में माना जा रहा है, एक्सपर्ट का ये कहना है कि रक्षा बजट का लगभग बढ़ना तय है। रक्षा बजट बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी है कि सीमा